नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम रेंट कार्ड की मदद से हम अपना असेसमेंट जनरेट कर सकते हैं कि कितना हमारा रिकवर्ड है, कितना ड्यू है। तो इसे हमने वाली स्क्रीन पे हमारा देखिए, टोटल लाइसेंस फी असेस्ड आ रहा है, टोटल लाइसेंस फी रिकवर्ड आ रहा है, टोटल लाइसेंस फी ड्यू आ रहा है। प्रिंट डिटेल से हमें ये एक पूरा PDF प्रिंट जनरेट करता है, जिसको देखने से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से मकान हमने लिए थे, कौन कौन से मकान हमने ऑक्यूपाई किए हैं, कौन कौन से मकान से रिलेटेड हमारी रिकवरी पोस्टिंग हुई है, किसके अगेंस्ट में हमने ऑनलाइन पेमेंट किया था, और टोटल हमारा कितना आज तक का पूरा लेखा जोखा है कि कितना हमारा आज तक का लाइसेंस फी ड्यू है या नहीं है। ये रिपोर्ट से हमें क्लियरली पता चल जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि लाइसेंस फी तो हमारी, अगर हम सर्विंग हैं तो DDO से एंड से आती रहेगी। ये आ गया हमारा रेंट असेसमेंट की रिपोर्ट, जो हमारे पूरा क्लियर करता है कि कौन कौन से मकान हमने लिए हैं। हर मकान का इंडिविजुअल असेसमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दिखाया जा रहा है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक कितनी लाइसेंस फी रही थी, कितना उनका टोटल असेसमेंट आया है, और ये आपका लाइसेंस फी रिकवरी का ब्रेकअप जो DDO के एंड से एंट्री हुआ है। और अगर डायरेक्ट पेमेंट भी कोई होता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस लिहाज से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कितना रिकवर्ड है और कितना ड्यू है। अब हम ये देखेंगे कि लाइसेंस फ़ी, अगर हम सर्विंग में हैं तब तो लाइसेंस फ़ी DDO के एंड से ही डिडक्ट होनी है, पर अगर हमें रिटायर हम हो चुके हैं या हमारी डेथ हो चुकी है तो हमें किसी कारण से अपना कोई ड्यू सबमिट करना है, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है। ऑनलाइन पेमेंट से हम अपना कोई भी डेथ स्टेट्स के रेस्पेक्ट में जो ड्यूज़ है वो हम यहाँ पर एंट्री उसकी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम ऑनलाइन पेमेंट इसमें कर सकें। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हम आपका नाम और मकान नंबर वगैरह सब दिखाया जाता है, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि ये आप ही का है। और यहाँ पे हेड सेलेक्ट करते हैं कि हमें लाइसेंस फ़ी की पेमेंट करनी है। लाइसेंस फ़ी अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि केवल DDO के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं, तो लाइसेंस फ़ी की आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे इनके, अगर आप सर्विंग हैं तो। बाकी जैसे डैमेज चार्जेज हैं, रिटेंशन का पेमेंट है, या कोई वाटर चार्जेज है, या आचार्य कोई अलग से देते हैं किसी किसी ऑफिस में या PSUs में, बुकिंग चार्जेज हैं इस तरीके से, मान लिया डैमेज चार्जेज हैं किसी के, तो उसमें आप अपना पीरियड बताइए कि किस पीरियड का आप डैमेज चार्जेस पे कर रहे हैं और कितना अमाउंट है। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक ऑनलाइन है जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है, और दूसरा है ऑफलाइन जो NEFT RTGS के थ्रू होता है। NEFT RTGS मीन्स इसमें आपको चालान जनरेट करना पड़ता है और अपने अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन का अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो ऑनलाइन हम चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करके ये आपको एक स्क्रीन पे लेके जाएगा, जिस पे आपका ये जो जिस चीज़ के लिए आपने पैसा दिया है, जैसे डैमेज चार्जेज है और 300 रुपये है, तो वो आपको दिखाई देगा कि डैमेज चार्जेज और 300 रुपये है, तो वो आपको अब पे करने के लिए कंफर्म करवाएगा कि हाँ अब ये डिटेल्स आपने चूज की हैं, इस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो अगली स्क्रीन पे जो आएगा वो पे नाउ का बटन आएगा कि हाँ अब हमें पे करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में जैसे जैसे ये आ गया, आ चुका है पे नाउ। अब पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट टू स्टेट्स की वेबसाइट से, अब ये भारत कोष की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। भारत कोष की वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिकवरीज होती हैं, जितने भी पेमेंट्स होंगे, वो भारत कोष की वेबसाइट से होंगे। तो हमारी वेबसाइट डायरेक्ट टू स्टेट्स की वेबसाइट भारत कोष की वेबसाइट से लिंक है, तो यहाँ से अब आपको उसका पेमेंट करना है। तो भारत कोष का जो पेज आएगा उसमें वो आपसे आपकी डिटेल्स विटेल्स आपको कंफर्म करवाएगा कि ये आपके डिटेल्स हैं, फिर आप उसको कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। फिर वो पेमेंट गेटवे पूछता है कि किस पेमेंट गेटवे से आप जाना चाहते हैं, कि एक्सिस बैंक है, SBI है, या किस मीडियम से आप जाना चाहते हैं, कि डेबिट कार्ड से है, क्रेडिट कार्ड से है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट टू स्टेट्स के मॉड्यूल से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रेस्पेक्ट में कोई हमारी क्वेरीज है या कुछ है, तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। तो
तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना है कि कैसे हमारा रेंट असेसमेंट जनरेट हुआ, जिससे हमें ये पता चल गया कि कितना हमारा ड्यू है, कितना मिसिंग है, और ऑनलाइन पेमेंट हमें पता चल गया कि कैसे हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। क्योंकि कई बार लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमें पेमेंट करना है, पर हम ऑनलाइन पेमेंट करें कैसे, जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट हम कैसे ईजीली कर सकते हैं और ये कितना आसान है। धन्यवाद।